हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालसी बावर्ची खाना। आज की ये रेसिपी बहुत ख़ास है क्योंकि ये रेसिपी ना मेरी माँ की है और इसे बनाया मेरी भाभी ने और मैं इसे एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, सरसों का पेस्ट बना लेते हैं। तो सरसों का जब पेस्ट पिस जाएगा ना, तो इसमें ऐड करेंगे प्याज, एक प्याज है मीडियम साइज़ का, और ये लहसुन की कलियाँ हैं, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ डाल दिए। अब इन सबको ना अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी कट करके रख लेना। अब एक कटोरी आपको बेसन लेना है और 1/4 कटोरी आपको लेना है चावल का आटा, और इसको एक बड़े से बॉल में ट्रांसफ़र करना और सूखे मसाले ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना और मिक्स कर देना। सरसों का जो पेस्ट बना के रखा था ना, उसमें 1/2 टीस्पून डालना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा रेड चिली पाउडर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और साइड रख देना। अब बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा पानी इसमें डालेंगे पहले, इसका ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला करना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है आपको, ताकि लंप ना रहे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि गाढ़ा लग रहा है। थोड़ा सा पानी डाला, इसको मिक्स करेंगे। बस अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है। जो पत्ते को काट के रखा था ना, 2 से 3 पीसेस करके रखा हुआ है कोड़े के पत्तों का, उसको बेसन में डिप कर देना अच्छे से। रिफाइंड ऑयल डाल दिया मैंने कढ़ाई में ताकि ये गर्म हो जाए। तब तक इसको क्या करेंगे ना, रोल करना है। तो एक के ऊपर एक पीसेस डालने हैं आपको पत्ता का, 4 से 5 पीसेस डाल सकते हो। 4 से 5 पीसेस डालने के बाद आपको इसको ना फोल्ड कर देना है ऐसे, सारे पत्तों को आपको रोल कर लेना है। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो एक एक करके इसको तेल में डाल देते हैं और उसको फ्राई होने देते हैं। और तेल में डालने के बाद आपको उसको बिल्कुल पलटना नहीं है तुरंत। 1-2 मिनट जब यह रह जाएगा ना ऑयल में, तब आपको उसको पलटना, नहीं तो आप अगर तभी टच कर दो बिना कलछी से तो ये चिपकने लग जाएगा। फ्लेम को आप मीडियम रखना, मीडियम फ्लेम पर इसको आपको फ्राई करना है। मतलब 4 से 5 मिनट आपको लग जाएंगे इसको फ्राई करने में। तो ये देखो अच्छे से ना फ्राई हो गया है। तो अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाकी जो कोड़े के पत्ते बचे हुए हैं उनको भी ऐसे ही तलकर निकाल लेंगे। तो सबको आप ऐसे प्लेट में बाहर निकाल लेना। इसको ना सूखा खा करके देखना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ग्रेवी बनाने के लिए ना मस्टर्ड ऑयल को गर्म करना है, 5 फोरन डालना है, और जब ये तड़कने लग जाए ना, तो जो सरसों का पेस्ट बना के रखा था ना मसालों के साथ, उसको इसमें डाल देना और फिर आपको इसको फ्राई करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना। तो मसाला जब आधा फ्राई हो जाएगा तब इसमें टमाटर ऐड कर देना है और फिर उसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ने लग जाए। 5 से 6 मिनट का वक्त आपको लगेगा इसको अच्छे से फ्राई करने में। तो मसाले जब तेल छोड़ने लग जाए तब आपको उसमें ऐड करना है पानी। पहले थोड़ा सा ही पानी डाला है मैंने इसको। अब मसालों को ना पानी में मिक्स कर देते हैं अच्छे से। पानी आपको कितनी ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से आप इसमें ऐड करना। बड़ा वाला ग्लास नहीं होता, उसे 1 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको एक बार चला लेते हैं। जब ये अच्छे से बॉयल होने लग जाएगा ना, जब आपको देखो इस तरीके से जब दिखने लग जाए ना ग्रेवी उबल के, तब आप इसमें इसको डाल देना जो तल करके रखा था हमने उसके पत्तों को। एक बार चला देना, 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से बॉयल होने देना, ताकि ये जो पत्ते के पकौड़े बनाकर रखे थे वो अच्छे से ग्रेवी और मसाले अब्सॉर्ब कर सके। एक बार तो आपको इसको ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाए तो इसे शेयर भी कर दें। वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।